बुलंदशहर सिकंदराबाद में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में नवरात्र के दौरान नगरपालिका ने धार्मिक स्वतंत्रता पर लगाई पाबंदी। नगरपालिका द्वारा नाले में लगाया गया बंद। कॉलोनी में हुआ नाले के पानी से जलभराव। बिन बरसात हुआ कॉलोनी में गंदे पानी का जलभराव। पालिका प्रशासन बेसुध। इससे पहले भी अक्सर होता था कॉलोनी में नाले के पानी का बरसात में जलभराव। अनेकों शिकायतों के बाद भी नहीं किया प्रशासन ने मामले का निस्तारण। नवरात्र पूजा के दिन घरों में कैद हुए कॉलोनी के लोग, पालिका ने लगाई धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबंदी। कॉलोनी में नाले के गंदे पानी के जलभराव के चलते लोग नहीं जा सके मंदिर। पानी वापस होकर आकर नालियों के रास्ते घुस रहा है। ऐसी स्थिति में नगर पालिका पंपिंग सेट लगाकर पानी को बंद लगाने के दौरान निकाल सकती थी, लेकिन नगर पालिका प्रशासन अपने दायित्व को भूलकर बेसुध होकर चैन की नींद सो रही है। करीब 15 घंटों से भरे गंदे पानी में मच्छरों व संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बढ़ा। कॉलोनी वासी परेशान। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। हमारे बच्चों को डेंगू हो गया है, मलेरिया हो गया है। यहाँ आसपास के लोग घर छोड़कर बाहर अपने रिश्तेदारों में जाके रहने लगे हैं। इतनी ज़्यादा बीमारियाँ लगी हुई हैं। हम सुनवाई करने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, मगर कोई सुन ही नहीं रहा है हमारी बात। आते हैं बाहर से देख के चले जाते हैं। हम अपने मकान बना रहे हैं, अंदर से इतने अच्छे मकान बने हुए हैं, मगर बाहर आके देखो कितनी गंदगी पैदा हुई। आए दिन ये पानी की समस्या रहती है, भरा रहता है हमारे घर। बाथरूम लैट्रिन किचन तक में पानी पहुँच जाता है। नहाने धोने पे भी पाबंदी लग जाती है। यहाँ तक की है कि गर्मियों में भी हम कई कई दिन बिना नहाए रह जाते हैं, क्योंकि पानी नहीं निकलता है। जब घरों के अंदर पानी जा रहा है तो बाहर कैसे आ सकता है। कब से पानी भरा हुआ है ये? आज 24 घंटे से यहाँ पानी भरा हुआ है। कहीं कहीं जो है आपने जो है जाकर की शिकायत की है? हमने शिकायत बराबर नगर पालिका में की है, लेकिन कोई अधिकारी इसे देखने नहीं आता, ना कोई इस पे ध्यान दे रहा है। आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर अष्टमी का दिन है, जो कि दुनिया पूजती है, और हम 1:30 बजे नहाए हैं, तब जाके हमने थोड़ी बहुत पूजा की है, और मंदिर भी नहीं जा पाए हम। बुलंदशहर से आनंद कुमार, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। सभी देशवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इन नवरात्रों में आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। ज्ञान न्यूज एक बार फिर आप सभी को नवरात्रों के पावन आगमन की शुभकामनाएं देता है।